हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो ये शाम का समय हो रहा है, मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और मैंने कुकर में आलू उबलने के लिए रखा है और दूध भी गर्म हो रहा है। तो अभी 5 बज रहे हैं, पर थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं आज बच्चों लोग को सरप्राइज देने जा रही हूँ। मसाला डोसा बना रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे सृष्टि अभी सो रही है और संदीप कोचिंग गया है, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मैंने दिन में ही ये सब फूलने के लिए रख दिया था। मेरे दिमाग में अचानक से ध्यान आया कि मैं आज इन लोग को मसाला डोसा खिलाऊंगी। तो ये देखिए, मैं सांभर के लिए कद्दू निकाली हूँ, मैं ये सब कट करूंगी अभी। तो ये देखिए, यहाँ सृष्टि सोई हुई है और मैं यहाँ तब तक कद्दू कट कर लूंगी। तब तक मेरा उधर चाय चढ़ा हुआ है और दूध भी, तो मैं इधर रूम में ही आ गई थी क्योंकि सृष्टि को उठाना भी था मुझे। वो बोल रही थी कि मुझे 5 बजे उठा देना मम्मी, पर वो नहीं उठी थी। तो ये देखिए, उठती है फिर वो सो जाएगी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। इन लोगों को पता नहीं है क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो हम लोग का लहसुन प्याज सब बंद रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे लोग को पहले खिला देती हूँ। सैटरडे का दिन है, और नहीं फ्राइडे का दिन है, ये फ्राइडे के शाम का है। तो इसमें बिना प्याज व्याज का अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए क्योंकि मसाला डोसा में पूरा प्याज होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। ऐसे तो बहुत कोई खाते हैं बिना प्याज के ही, पर मेरे बच्चे लोग को प्याज व्याज रहना चाहिए पूरा। तो मैंने ये दिन में ही सब तैयारी किया था, फुला उला दिया था क्योंकि मुझे अचानक से ध्यान आया था। तो इसमें कुछ नहीं है कि मुझे खमीर उठाना है या कुछ नहीं, मैं जिस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा आलू भी उबल चुका है, तो मैं अब यहाँ पर सांभर की तैयारी करूँगी। तो मैं इसमें सारा सब्जी मैंने जो कट किया था, कद्दू टमाटर प्याज, मैं सब एक बार में ही डाल देती हूँ। और ये मैंने दाल भी फुला के रखा था, अरहर का दाल, तो वो भी मैं डाल दे रही हूँ। मैं अलग से सब्जी उब्जी नहीं भूनती हूँ, बस मैं साथ में ही सब दाल में ही डाल के मैं उबाल देती हूँ। और फिर जो मसाला, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैं डालती हूँ, और सांभर मसाला मैंने डाल दिया। मैं कुकर लगा दूँगी, तब तक इसमें सीटी आएगा, तब तक मैं देखिए मैंने सारा कट करके रख लिया है। ये स्टफिंग के लिए था वो सारा, और सारा मसाला स्टफिंग का था। चटनी के लिए दाल भूंज रही हूँ, चना दाल। तो हल्का सा मैं इसे भूंज लूंगी और फूलने के लिए छोड़ दूंगी, तब पीसने में थोड़ा आराम हो जाता है। तो बच्चे जब आए थे, जब वो कोचिंग से आया, संदीप खासकर बहुत खुश हुआ था, उसे बहुत ही पसंद है, वो बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि उसे घर में घुसते ही, जब वो कोचिंग से आया, घर में घुसते ही उसे लगा कि कुछ मम्मी बना रही है, स्मेल पूरा आ रहा था, कड़ी पत्ता ये सबका, तो वो बहुत खुश हो गया था। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे चना दाल को फूलने दे दिया है। अब मैं आलू की स्टफिंग की तैयारी करूँगी, अब उसे मैं भूंजूंगी। तो यहाँ मैं आलू छील लेती हूँ। थोड़ा मेहनत पड़ जाता है, पर बच्चे लोग मन से खाते हैं तो तब अच्छा लगता है, सब मेहनत भूल जाती हूँ। काफ़ी लेट भी हो गया था, मैं 10 बजे तक, क्योंकि मैंने सोचा था 4 बजे तक ही सब करूँगी, पर मुझे नींद लग गया था, अचानक से मेरा नींद खुला 4:30 बजे। तो ये भी ऑफिस से आ गए हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ आलू भूनने के लिए मैंने जीरा डाला, फिर राई डालूंगी और हींग डालूंगी, और उसके बाद जो मैंने अदरक कद्दूकस किया था, तो फिर मैं अदरक इसमें डाल दूंगी। तो मुझे सर्दी हो गया है इसलिए बीच बीच में हवा जा रहे होंगे, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने अदरक भी डाल दिया, कद्दूकस किया था मैंने। उसके बाद जो मैंने प्याज कट किया था, प्याज डाल दूंगी। तो प्याज पूरा लाल नहीं करना, और हरी मिर्च आप अपने जितना तीखा खाना चाहते हो उस अनुसार रखिएगा। मैंने 3-4 डाला था, और ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तब तक भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना। तो मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और गर्म मसाला मैंने डाला है। तो ये देखिए, थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर गलने के लिए मैंने नमक डाल दिया है। तो ये जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब मैंने इसमें आलू डाल दिया। मैंने आलू में भी नमक डाल रखा था पहले से, तो मैं इसे 5 मिनट और भूंजूंगी। तो ये स्टफिंग तैयार है इसका, डोसा का। तो अब मैं ये चावल पीसने जा रही हूँ। थोड़ा चावल में टाइम लगता है पीसने में, क्योंकि रुक रुक के पीसना पड़ता है क्योंकि मिक्सी भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ मैं प्रिया से बात कर रही थी, जो मेरी भगनी है।
वो सामने आई थी। तो ये देखिए मेरा चावल पीस दिया है, अभी चटनी मुझे पीसना है। और ये उड़द दाल है और इसमें मैंने एक चम्मच मेथी दाना डाला था, इससे कुरकुरी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक चम्मच मेथी मैंने डाला है। और चावल मैंने इस कटोरा से लिया था, तो मैंने दो कटोरा चावल लिया और उड़द दाल मैंने आधी से थोड़ा ज़्यादा लिया था बस, और मेथी दाना एक चम्मच, और मैंने वो इमली फुला के रखा है सांभर में डालने के लिए। और उड़द दाल जब मैं पीसने जाती हूँ तो उसमें एक कटोरी मैंने दही डाला है। उड़द दाल और जो मेथी मेरा फुला हुआ था उसे पीसने से पहले मैं साथ में दही भी पीस दूंगी। और एक चम्मच के करीब मैं, एक या डेढ़ चम्मच के करीब मैंने रिफाइन तेल डाला है, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसमें आपको एक दिन पहले फूलने के लिए या खमीर के लिए ना इस तरह से बनाएंगे, तो आपके मन में जब आए, मान लीजिए आपको शाम में बनाना है तो आप दोपहर में इसे फूलने दे दीजिए, आराम से आप तुरंत बना सकते हैं। तो ये मेरा पीस गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सोडा डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी। तो यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने अदरक, हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा मैंने डाल दिया है, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो ये देखिए मेरा डोसा, इस तरह से मैं बना लूँगी। अब बिल्कुल कुरकुरी हुई थी जैसे, देख लीजिए ये आराम से उखड़ गया, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ये खुद पे खुद, ये देखिए। ये देखिए पूरी कुरकुरी बनी है। तो मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही थी कितनी कुरकुरी बनी है। और ये मैंने पापा का खाना निकाल दिया है तो मैं उन्हें दे दूंगी, तो बच्चे लोग को मैंने दे दिया है। तो ये देखिए मेरा सारा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है, ये रात के 10 बज रहे हैं और ये मेरा खाना रखा हुआ है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप सब भी आ जाइए मेरे साथ डिनर करने। और मैंने सारा ही रात में बर्तन वर्तन सब धो लिया था, तब जाके मैं बैठ रही थी, मैंने सबको गर्म गर्म बनाती चली गई और सबको देते चली गई। तो और लास्ट में मैं खा रही हूँ, सब साफ